एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं। मगर ऐसा नहीं है, हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। महाराज को बीरबल बहुत प्रिय थे। वह उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूँ, मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने झिझक कर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महाराज ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है, तो दूसरा कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है, इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुँचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने दो मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाए व स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुँचे तो महाराज इस मंजर को देख कर हैरान थे। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक ले आए हैं। यह सुन महाराज मुस्कुराए बिना न रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए।